हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग रेडी हैं, निकलने वाले हैं थोड़ी देर में बाहर। हेलो गाइस, हेलो गाइस, कहते हम तैयार हैं, बोलो तैयार हो? कहाँ जा रही हो? घूमी जा रही, घूमी बाबू को सुई लगवाने जा रहे हैं ना। कहाँ जा रहे हैं? सुई लगवाने जा रहे हैं बाबू को। ओ देखो, पीछे खेल रही है मस्त होके। ओए इसको देखो, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, अभी जब लगेगी सुई तब पता चलेगा। ए क्या हो रहा है, क्या बोला है? तो ये देखिए, यहाँ पे इन लोग की मस्ती शुरू हो गई है। मिष्टी को गाड़ी में बैठने में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि हाँ हम लोग घूमने जा रहे हैं। तो गाइज, हम लोग जा रहे थे प्रिशा को वैक्सीन लगवाने के लिए, आज उसका वैक्सीनेशन डे था, तो उसी के लिए हम लोग जा रहे थे। और यहाँ पे ये देखिए, पतिदेव हमारी गाड़ी चला रहे हैं, अभी उनको बहुत अच्छे से नहीं आता है। ये हमारी सोसाइटी की मंदिर है, हाथ जोड़ लीजिए आप लोग भी। यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर। तो गाइज, यहाँ पे जितने बच्चे दिख रहे थे ऑलमोस्ट सभी लोगों को सर्दी जुकाम हो रहा था, क्योंकि मौसम जो है अचानक से चेंज हो गया था। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं प्रिशा को वैक्सीन लगवाने के लिए। क्या हुआ, क्या हुआ? अभी तो लगी भी नहीं बेटा। कार्ड सकते हैं। गाइज, यहाँ पे वैक्सीन लगवाने के बाद हम लोग निकल चुके थे, वहाँ पे रो रही थी और यहाँ पे मस्त होके खेलने लगी। मुझे लगा था कि शायद हो सकता है थोड़ी देर तक रोए, लेकिन वहाँ से निकलने थोड़ी देर, मुश्किल से 5 मिनट रोई होगी, उसके बाद से फिर मस्त हो गई थी खेलने में। उसके बाद हम लोग गए थे, हमारी सिटी में लगी थी एक तिब्बती मार्केट, वहाँ पे गए थे। मतलब मैं तो पहले कभी गई नहीं, तो मुझे देखना था कि वहाँ पे मतलब ऐसा क्या है। लोगों ने बोला था कि वहाँ पे कुछ सस्ते रेट में मिलते हैं स्वेटर और क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो वही ऐसे देखने के लिए हम लोग गए थे कि मतलब देखती हूँ उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए मैं भी चलती हूँ और आपको भी ले के चलती हूँ, दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी। यहाँ पे ये देखिए, उन्होंने एकदम अच्छे से ऊपर अपना सजा के रखा हुआ था, तिब्बती मार्केट का लुक आ रहा था। तो गाइज, मैंने ऐसे कभी पब्लिक प्लेस पे वीडियोस बनाई नहीं है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा था, क्योंकि कुछ लोग जो है ऐसे मुझे देख रहे थे कि ये कर क्या रही है। लेकिन अगर आपको व्लॉगिंग करनी है तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा। इससे क्या होता है कि आपके अंदर का जो डर होता है, जो हेजिटेशन होता है ना, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है और आप ईजिली व्लॉगिंग कर सकते हो। आपका जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। तो ये तो खैर मेरा फर्स्ट टाइम था, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आगे मैं जब भी पब्लिक प्लेसेस पे व्लॉग बनाऊँ ना, तो बहुत अच्छे से, और मतलब मुझे वॉइस ओवर ना करना पड़े। तो फिलहाल मैं तो ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। खैर, आप देखिए, ये तिब्बती मार्केट में मुझे तो नॉर्मल चीज़ें ही दिख रही थी, जैसे मतलब आपको शॉप पे मिल जाती हैं। और रेट भी मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखा, मतलब कि जो यहाँ पे मेरे को सुनने में आया था कि ये सस्ता होता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। और सारी शॉप पे मुझे एक ही जैसी चीज़ें दिख रही थी, थोड़े बहुत जो डिफरेंसेस होंगे वो होंगे, अदरवाइज़ मुझे एक ही जैसी चीज़ें। पूरा ग्राउंड नहीं घूमे, घूमने के बजाय मैंने सोचा कि सारी एक ही चीज़ें हैं, तो यहीं से ही क्यों ना पूरा एक 360 व्यू आपको दे दिया जाए। और ये श्रग जो है, ये कितने का आएगा? ये वाला? हाँ हाँ, ये वाला। हाँ जी, ये आगे वाला जो है ना, आगे वाला, हाँ हाँ, ये वाला।
कितने का आएगा ये? 1300 का है। कुछ कम नहीं होगा? नहीं होगा मैम, फिक्स रेट। कुछ तो डिस्काउंट लगाइए। डिस्काउंट तो नहीं है मैम, फिक्स रेट है ना। हाँ बेटा, ठीक है, उस टाइप में मिलेगा। दिखाना हाइट कितना है मेरा ज्यादा? नहीं, इससे थोड़ा सा कम। कितने में आएगा ये? 400-450 का है। सेट सेट है। अच्छा, स्वेटर में कुछ होगा? स्वेटर में है। कितने साल के लिए? यही सेम एज। हाँ, ये थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, थोड़ा छोटा इससे आएगा। क्या प्राइस होगी इसकी? 650 का ही है। अच्छा, ये छोटा ये 650 का, ये भी 600, सेम रेट। वहाँ पे जाके देख लीजिए ना, वहाँ पे सुंदर लग रहा है वैसे काफी। अच्छा, कितना पीस था वो खत्म हो गया फिर? तो गाइस, जैसा कि आपने देखा, वो श्रक था और कुछ मिस्टी के लिए भी स्वेटर देखे थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं, मतलब यही सेम रेट में आपको शॉप पे भी मिल जाता है। वो श्रक 1300 का बता रही थी और वो स्वेटर जो है 650 का बता रही थी, तो मतलब मुझे कोई खास डिफरेंस नहीं लगा। ये माथा पट्टी थी, ये भी पता नहीं कितने इसका, तो खैर मैंने रेट नहीं पूछा था। और ये सॉक्स था, जो सॉक्स 150 का ये सॉक्स बताए थे, तो इसी रेट में आपको मिल जाते हैं, बहुत ईजिली शॉप पर भी मिल। वैसे तो मैं बार्गेनिंग में बहुत कच्ची हूँ, मुझे बार्गेनिंग करनी बिल्कुल भी नहीं आती है। तो आप लोग भी देख लीजिएगा, अगर बार्गेनिंग हो जाती है तो हो सकता है भाई रेट कम कर दे। वैसे तो यहाँ पे सारी शॉप पे जो है फिक्स रेट था, वो एक पैसा नहीं कम कर रहे थे। तो गाइज, अब हम लोग निकल लिए हैं घर की ओर। वहाँ पे मुझे कुछ भी लेना नहीं था, बस ऐसे ही घूमने गई थी, देखने गई थी कि मतलब क्या क्या चीज़ें हैं और क्या प्राइस है वहाँ पे। तो मतलब चीज़ें तो अच्छी थी, लेकिन सेम प्राइस पे ही आपको शॉप पे भी मिल जाती। और ये देखिए, यहाँ पे भिवाड़ी में जो है जगह जगह पे ऐसे सड़कें खुदी हुई हैं, सड़कें बन रही हैं। और हाँ, अगर आपको लेना हो तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। और जहाँ पे मैं गई थी, वहाँ से जो है मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता हमारे घर का होगा, लेकिन ये देखिए पूरा मतलब हम लोग को अच्छा खासा लंबे रास्ते से घुमा करके लेके आ रहे थे। ये अपनी ड्राइविंग स्किल को थोड़ा सा बेटर करने में लग गए थे। अभी मैंने आपको हाईवे दिखाया ना, अब खेतों के भी दर्शन कर लीजिए। पूरे खेत में ऐसे पीले पीले से फूल हो रहे हैं, इतने अच्छे लग रहे थे दूर से। सरसों के पेड़ जो है पीले पीले फूल आ गए थे उसमें। पढ़ाई हो रही है? ओहो, क्या होमवर्क? ये क्या काम कर रही हूँ? बॉल है ये, क्ले है? नहीं, बॉल है। ये चीज इसका टूट गया। एक चीज दिखाती हूँ आंटी, क्रिसमस ट्री तो उल्टा दिखा रही हो तुम। हाँ, ये देखो, वाओ। और आंटी, मैं इसका काम कर रही हूँ। ये तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, खाली इसको तो वीडियोस में ही देखा है मैंने। वो तो मैंने भी देखा वीडियोस में। सही चीज है, दिखा तुम अपना, सीधा उल्टा दिखा रही थी तुम तो अपना। वेरी गुड, वाओ पीयू। पीयू ने भी तो मेरा पिंक कलर लिया है। आंटी, तो तुमने नीचे कुछ डाला क्यों नहीं? ऐसे क्यों बैठी हुई हो सब? आंटी, मैं इसका काम कर रही हूँ, क्योंकि इसको ये मेरी ड्राइंग बनाएंगी। किसका काम कर रही हो तुम? लव्या का। तुम ड्राइंग बनाओगी? पढ़ाई भी करो, मस्ती भी करो। बाय।